हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विजय श्रीवास्तव, वेलकम टू विजय स्टडी वे क्लासेस। तो आज हम लोग मिरर के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि लाइट का सेकंड टॉपिक है। इससे पहले का जो वीडियो था लाइट पे, उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था और रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था। आज हम लोग मिरर के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में दर्पण कहते हैं। और इस जो मिरर है, वो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा अपने आसपास देख भी सकते हैं। एक तो जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, एक तो मिरर वो हो गया। दूसरा हो गया कि जैसे खिड़की दरवाजे में जो कांच यूज़ करते हैं, उसको भी मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ने जा रहे हैं मिरर के बारे में, टाइप्स ऑफ मिरर। सो लेट्स स्टार्ट। मिरर, द सर्फेस विच कैन रिफ्लेक्ट द लाइट इज अ मिरर। ठीक है, तो मिरर एक्चुअली होता क्या है, ऐसी सर्फेस होती है जिससे जो लाइट होती है, जब किसी सोर्स से लाइट आके उस सर्फेस पे गिरती है, तो वापस वो रिफ्लेक्ट होके चारों तरफ फैलती है, उसको बोलते हैं मिरर। प्लेन मिरर, यहाँ पे टू टाइप्स के मिरर दे रखे हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर, इफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज अ प्लेन देन द मिरर इज प्लेन। तो ऐसी जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस जो कि प्लेन होती है, साथ ही साथ वो मिरर होता है, तो वो उसको बोलते हैं प्लेन मिरर, जो कि हम अपने आसपास बहुत ज्यादा मात्रा में देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, इफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज पार्ट ऑफ द होलो स्फीयर, देन द मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर। द स्फेरिकल मिरर इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, तो ऐसी मिरर जो कि एक होलो स्फीयर टाइप का होता है, ऐसी सरफेस होती है। ठीक है, होलो स्फीयर मिरर की जो सरफेस होती है, वहां से जब जो लाइट गिरती है, फिर वापस रिफ्लेक्ट होती है, स्कैटर हो जाती है चारों तरफ। ठीक है, तो उस जो होलो स्फीयर मिरर होगा, उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। जैसे कि हम इसको नाम से ही समझ सकते हैं, स्फेरिकल मतलब गोल, गोलाकार जो दर्पण होगा उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर यहाँ पे टू टाइप्स का है, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। इन दिस मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स, इट डाइवर्जेस द लाइट, सो इट इज आल्सो कॉल्ड द डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स मतलब होता है कि जो वो सरफेस होगा, ठीक है, जो बाहर का जो सरफेस होगा, जो आउटर वो जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होगा, वो लाइट की तरफ बल्जेज होगा, मतलब लाइट की तरफ निकला हुआ होगा। कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, वो लाइट की तरफ निकला हुआ होता है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि ऐसी मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स होती है, ठीक है, दैट रिफ्लेक्टिंग सर्फेस विच इज बल्जेस टूवर्ड्स द लाइट सोर्स। जो हमारा लाइट सोर्स है, वो लाइट सोर्स हमारा कुछ भी हो सकता है, सूरज भी हो सकता है, सन हो सकता है, टॉर्च हो सकता है, बल्ब हो सकता है। तो वो जो मिरर की जो सर्फेस होगी, वो लाइट सोर्स की तरफ निकली हुई होगी, बल्जेस होगी। तो इस ऐसे मिरर को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इट डाइवर्जेस द लाइट। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ये लाइट को डाइवर्स करता है। डाइवर्स का मतलब उसको मोड़ता है, या उसको उसका जो लाइट का जो पाथ होता है, उसको वो टेढ़ा कर देता है, या घुमा देता है, या उल्टा कर देता है, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे कि हम लोग को पता है कि जो लाइट का जो पाथ होता है, वो स्ट्रेट होता है, लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, जब यहाँ से यहाँ पे लाइट आके गिरती है, तो वो क्या करता है कि जो लाइट है उसको डाइवर्ज कर देता है ना। कॉनकेव मिरर, इन दिस मिरर द मिरर रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज कॉनकेव, इट कन्वर्जेस द लाइट, सो इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मिरर के जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस होता है, जहाँ पे आके लाइट गिरती है, वो सर्फेस कॉनकेव होता है। कॉनकेव का मतलब होता है कि वो लाइट सोर्स जो है उससे इनवर्ड होता है, ये अंदर की तरफ होता है, अंदर की तरफ धसा हुआ होता है, एक कैविटी टाइप का फॉर्म करता है उसका जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस होता है, तो इसको बोलते हैं
कॉनकेव मिरर ऑल्सो, ये जो है वो लाइट को कन्वर्ज करता है, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कॉनकेव मिरर ऑल्सो। जो कॉनकेव मिरर होता है उसको, जो लाइट उस पर गिरती है उसको वो मोड़ देता है, बेंड कर देता है। तो इस तरीके से कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं एक स्फेरिकल मिरर है हमारे पास, ठीक है। इसको हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिवाइड कर दिया है। तो ये जो पार्ट होगा ये होगा कॉनकेव मिरर, और ये पार्ट जो होगा ये होगा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो होता है अंदर की तरफ, ये आप लोग देख सकते हैं, ये होता है कैविटी में। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैविटी में होता है इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और जहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो लाइट सोर्स के टूवर्ड्स होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा या कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। कॉनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कैविटी में होता है, कैविटी की तरफ होता है, अंदर की साइड होता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो आउटर साइड होता है, टूवर्ड्स लाइट सोर्स होता है। यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, और यही डिफरेंस होता है कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में। आप लोग कंफ्यूज मत होना। नाउ देयर आर सम पैरामीटर्स ऑफ मिरर, ठीक है। तो कोई भी मिरर होती है, वो चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, वहां पे कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम वहां पे जो जैसा इमेज फॉर्मेशन होता है वो हम बता सकते हैं कि वहां का इमेज फॉर्मेशन क्या है, वो किस टाइप का मिरर है, ठीक है। तो जो पैरामीटर्स ऑफ मिरर होते हैं ये दोनों के लिए ही होते हैं, कॉन्वेक्स एज वेल एज कॉनकेव के लिए। तो देखते ही ये कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ होलोस्फेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, ठीक है। तो देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने एक कॉनकेव मिरर लिया है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर जो होता है उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड है, जैसे कि हम लोगों ने अभी समझा था डायग्राम से, इनवर्ड है कैविटी में। कॉनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कैविटी में होता है, इनवर्ड होता है, ठीक है। तो जो लाइट है वो यहाँ से आ रही है, यहाँ से लाइट आएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स है, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर देखना है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होता है, कोई भी हॉलो स्फीयर मिरर है या स्फेरिकल मिरर है तो उसका जो सेंटर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। देन ये फोकस पॉइंट होता है एंड ये होता है पोल, ठीक है। तो पोल एंड जो डिस्टेंस जो होती है पोल एंड सेंटर के बीच में, इसको बोलते हैं, ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। द रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, ठीक है। तो अभी जैसे हम लोगों ने डायग्राम में समझा, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जितनी लेंथ होती है, जो डिस्टेंस होती है, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड पोल इज द सेंटर ऑफ मिरर, मिडिल पॉइंट इज पोल। देखते हैं पोल क्या होता है। तो ये जो मिरर है हमारा, जो कॉनकेव मिरर है, इसका जो सेंटर होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। और पोल और सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो लाइन पोल से होते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करती है उस लाइन को प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस बोलते हैं। देखते हैं इसको भी। ये जो लाइन है जो कि पोल से होते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर की साइड जा रहा है, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं डायग्राम में, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाउ अपर्चर, साइज ऑफ मिरर इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ मिरर, ठीक है। तो इस मिरर का जो साइज होगा उसको बोलते हैं अपर्चर ऑफ मिरर। ये इतना इंपॉर्टेंट पैरामीटर नहीं होता है जनरली, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल फोकस, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस
कन्वर्ज और डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस जो होता है ऐसा पॉइंट होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है, ठीक है, जहां से जो जितनी भी इंसिडेंट रेज होती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के उस पॉइंट पे पैरेलल हो जाती हैं, भले वो कन्वर्ज हो रहा हो या डाइवर्ज हो रहा है। ये डिपेंड करता है कि हमारा मिरर कैसा है और कैसे मिरर कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन हो रहा है या कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन हो रहा है। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस मिरर पे डिपेंड करता है, बट जो प्रिंसिपल फोकस पॉइंट होता है वो ऐसा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पे इंसिडेंट रेज जितनी भी आती हैं वो पैरेलल हो जाती हैं। देखते हैं इसको, यहाँ पे देख सकते हैं ये है फोकस, जिसको प्रिंसिपल फोकस भी बोला जाता है। ये पॉइंट है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे है। यहाँ से जो है कोई भी जो इंसिडेंट लाइट होती है, ठीक है, वो इस पॉइंट पे आके पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस की, आइदर वो इंसिडेंट होगा या रिफ्लेक्टेड होगा, बट इस पॉइंट के पैरेलल होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। नाउ नेक्स्ट इज फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट इज फोकल लेंथ। तो ये जो हमारा पॉइंट है पोल और ये है फोकस, इसके बीच की जो लेंथ होती है, जो डिस्टेंस होती है, ये होती है फोकल लेंथ। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने पैरामीटर्स ऑफ मिरर समझा, कॉनकेव मिरर का एग्जांपल लेके। ऐसे ही होगा हमारे जो कॉन्वेक्स मिरर होगा उसके साथ भी ऐसे ही है, उसको भी देखते हैं। तो हेयर यू कैन सी ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, टुवर्ड्स लाइट है। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसके जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो लाइट की तरफ होता है, जबकि कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होता है, कैविटी में होता है। ठीक है, मेन डिफरेंस यही है मिरर को मतलब अगर आप कहीं पे मिरर आ जाता है तो कंफ्यूज मत होना। मेन जो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो तो इस पॉइंट से इजीली कर सकते हो, तो इस पॉइंट को याद रखना जो मैं बार बार बता रही हूँ कि कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा लाइट सोर्स की तरफ होता है, जबकि कॉनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो इनवर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये जो है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ये फोकल लेंथ है बिटवीन पोल एंड फोकस, एंड इसको बोलते हैं हार्ड सरफेस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे टू टाइप्स के मिरर के बारे में समझा, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ऑल्सो उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऑल्सो पैरामीटर्स ऑफ मिरर। नाउ नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि किसी भी मिरर पे जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। अब यहाँ पे हम लोग अभी प्लेन मिरर पे देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, आगे चल के हम लोग कॉनकेव मिरर पे भी देखेंगे और कॉन्वेक्स मिरर पे भी देखेंगे। तो प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, वर्चुअल मीन्स रियल एंड इरेक्ट मीन्स सीधी होती है। ठीक है, तो प्लेन मिरर ऐसा मिरर हो गया जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, दर्पण जैसे जो हम अपने मेकअप मिरर जो यूज करते हैं वो हो सकता है। और जो प्लेन मिरर के जो ऑब्जेक्ट एंड इमेज होते हैं ये दोनों ही, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपकी इमेज है, ऑब्जेक्ट की इमेज है, ये दोनों ही मिरर से इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। डायग्राम से देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है, और यहाँ ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से जब लाइट पड़ती है, ठीक है, तो वापस हमारे आईज पे रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद हम अपनी इमेज को देख पाते हैं। तो कैसे देख पाते हैं, जो मिरर होती है वो कुछ लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से वहाँ जो मिरर में हमारी इमेज जो फॉर्म होती है उसकी वजह से हम अपने इमेज को देख पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोनों का इक्वल डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का इमेज का मिरर से। तो इस तरीके से प्लेन मिरर पे इमेज फॉर्मेशन होता है। ना जो इमेज फॉर्मेशन होता है
ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि वहां पे कुछ रेज रहते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसे स्पेशल रेज होते हैं जिसकी वजह से किसी भी मिरर पे हमारी इमेज फॉर्मेशन हो पाती है। तो वो कौन कौन सी रेज होते हैं देखते हैं। अरे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्जेस और डाइवर्जेस फ्रॉम फोकस। तो ऐसी रे जो कि फोकस पे पॉइंट पे गिरती है आके, या जो मिरर पे आके गिरती है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा मिरर है हमारा, कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है। तो ऐसी रेज जो होती हैं, बहुत सारी ऐसी रेज होती हैं जो कि फोकस से क्या करती है, फोकस पे से जब वो रिफ्लेक्ट होती हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो पैरेलली शो करती हैं। नेक्स्ट, अरे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू और अपेयरिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पेशल स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। कुछ ऐसी रेज हैं जो कि जो मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहां से पास होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू और अपेयरिंग फ्रॉम द फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो कुछ ऐसी रेज होती हैं जो कि मिरर के फोकस से गुजरती हैं, फोकस से पास होती हैं स्फेरिकल मिरर के, और वहां से फिर वो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग सेम एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस। तो कुछ ऐसी रेज होती हैं जो कि स्फेरिकल मिरर के पोल पे आके गिरेंगी, इंसिडेंट होंगी, एंड उसके बाद सेम एंगल से के साथ, जो प्रिंसिपल एक्सिस के सेम एंगल के साथ वो रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो इस तरीके के ये रेज जो होती हैं, ये डिफरेंट जो पॉइंट्स होते हैं, जो मिरर के पैरामीटर्स होते हैं, उनसे गुजरती हैं, तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है या फॉर्मेशन ऑफ इमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये बोलते कुछ स्पेशल रेज। नाउ यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का यूज होता है जनरली मेकअप मिरर में, ठीक है, टॉर्चेस में, हेडलाइट्स ऑफ कार्स एंड सर्च लाइट्स, डॉक्टर हेड मिरर एंड सोलर फर्नेस एटसेट्रा। तो यूज ऑफ जो कॉनकेव मिरर होता है, इतनी जगह पे हम लोग कर सकते हैं और देख सकते हैं अपने आसपास। नाउ नेक्स्ट, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, वो होता है व्हीकल्स में, ठीक है, और शॉप सिक्योरिटी मिरर्स में, शॉप सिक्योरिटी मिरर्स में एटसेट्रा, ठीक है। तो इस तरीके से जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर हैं, जो हैं कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पे हम लोगों ने उसके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस देखे जो कि हम अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा देख सकते हैं। तो इतना था मिरर के बारे में, टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में, ठीक है, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये हम लोगों ने समझा, पैरामीटर समझा। नेक्स्ट वीडियो जो है मिरर में, उसमें हम लोगों ने साइन ऑफ कन्वेंशंस ऑफ मिरर पढ़ने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।